आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और बिज़ी भी होंगे। मैं रोज़ के में सोचते हैं कि कुकिंग में क्या किया जाए क्या किया जाए, तो आज मैं आपके लिए, मैंने सोचा आपकी मुश्किल आसान कर दी जाए, तो आज मैं एक दाल बना रही हूँ जिसको कहते हैं हम माश की दाल। माश की दाल को ये मैंने तकरीबन 400 ग्राम ली और इसको पहले बॉईल कर लिया। बॉईल कर लिया तो थोड़ा सा इसको हार्ड रखा, बिल्कुल गलाया नहीं है, थोड़ा सा यानी कि 3/4 गला लिया और 1/4 रहने दिए। और ये 3 अनियंस मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिए हैं, ये देखिए, इस तरह जैसे हम ऑमलेट में प्याज काटते हैं, इसी तरह मैंने इसको चॉप कर दिया। 3 टमाटोज को, जिंजर जुलियन कट, ग्रीन चिल्लीज, जिंजर गार्लिक चॉप्ड, क्यूमिन सीड, फेनुग्रीक सीड, जीला सीड्स, रेड चिल्ली पाउडर, वाल्ट, टर्मेरिक, कोरिएंडर रोस्टेड, क्यूमन रोस्टेड, गरम मसाला, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। चलिए अब हम इसकी असेंबलिंग पे आते हैं। और ये हमारे पास ऑयल ऑयल जो है गरम कर लिया है, और इसमें मैं ये जो मेरे पास अनियन थे, मीडियम साइज के 3 अनियन जो मैंने चॉप किए हुए थे, वो मैंने डाला। अब इसको हम ट्रांसल्यूट करते हैं और हल्का सा इसको हम कलर देंगे। काफ़ी हद तक ट्रांसल्यूट हो गया, अभी मुझे थोड़ा सा इस पर कलर चाहिए, इसलिए मैं इसको और थोड़ी देर करूँगी। ये 5 मिनट के बाद है, तकरीबन 10 मिनट्स के बाद इसका ये जो है वाटर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, ड्राई हो गया, और अब ये ब्राउन हल्का हल्का सा होने वाला हो गया। तो अब इसी पॉइंट पे मैं इसमें फिर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी, अच्छी तरह भुनेंगे। जब इसका अच्छा सा अरोमा निकल आएगा, खुशबू आने लगेगी भुनने की, फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करती हूँ। खुशबू बहुत अच्छा अरोमा सा आने लग गया, तो अब मेरे पास ये जो नजीला सीड, क्यूमन सीड और मस्टर्ड सीड या फेनुग्रीक सीड्स हैं, उनको मैंने डाल दिया। मस्टर्ड भी कहते हैं, फेनुग्रीक भी कहते हैं। इसको क्रैकर बस करना है, क्योंकि गर्म है तो क्रैकर बहुत जल्दी हो जाएगा, जैसे ये क्रैकर होता है। तो मैं इसमें, हो गया, अब मैं इसमें 1/2 टमाटोज ऐड कर दूँ, और थोड़े सा मैंने रख लिया। जब मैं इसको मसाले के बाद जब मैं दाल डालूँगी तो एंड पे इसमें डालूँगी। ये जब नरम हो जाता है तो फिर इसमें मैं बाकी मसाले ऐड करती हूँ। ये देखिए, अब टमाटोज जो है वो नरम हो गए हैं तकरीबन 2-3 मिनट के बाद, इसको मैंने ऊपर से कवर कर दिया। टमाटोज नरम हो गए हैं तो अब इसमें मैं, ये मेरे पास जो रेड चिली और ये चीज़ें थी, ये मैं डाल देती हूँ। नमक, रेड चिलीज और बाकी स्पाइसेस बाद में डालेंगे, एंड पे दम के टाइम, और इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूँ, आधा कप के करीब मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद इसको पकने देंगे, और जब इसका अच्छी तरह पक जाएगा और वाटर ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी जो कि बॉयल हुई है। मसाला भून गया, आपको ये भूनता हुआ यानी इसमें जो बबल्स बन रहे हैं जिस तरह से इसके है, जब तक इसमें से वाटर ड्राई ना हो जाए तो इसमें आपने कुछ और नहीं डाला, ये बहुत अच्छा सा भून गया। अब इसमें मैं दाल डाल देती हूँ। दाल में जो मेरा वाटर था वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया जिसमें मैंने बॉयल की थी, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए वाटर। अब इसको मैं कवर होके थोड़ी देर रख देती हूँ ताकि तमाम इसमें स्पाइसेस जो हैं वो दाल में इन्फ्यूज़ हो जाए और दाल जो कसर रह गई थी वो भी हो जाए। देखें, अब काफ़ी हद तक इसमें से वाटर जो था, इसके अंदर ही दाल वाला ही जो वाटर था वही मैंने इसमें डाला, दूसरा नहीं डाला, और दाल वाला भी तकरीबन 1 कप होगा, 1 कप से भी कम, तो वही अभी इसमें है। और ये तकरीबन अब हो चुकी है, थोड़ी सी कसर है वो दम में हो जाएगी। और इस पॉइंट पे मैं इसमें ये जो रिमेनिंग टमाटोज थे वो, और ये जो मेरे पास जिंजर था वो डाल दिया, साथ ही ये जो मेरा गरम मसाला, क्यूमन रोस्टेड, कोरिएंडर रोस्टेड, ये जो सारे स्पाइसेस थे वो मैंने इसमें ऐड कर। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम दे देती हूँ, और ये बटन चिलीज दो, थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए इसको दम देती हूँ। 2-3 मिनट इसको दम देंगे, फिर इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल के इसको डिश आउट कर लेते हैं।
ये मेरी रेडी है तकरीबन, ये मेरी दाल जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स डालती हूँ और इसको डिश आउट कर लेती हूँ। डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। मेरी दाल माश जो है, चारी दाल माश, ये बहुत मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी ट्राई कीजिए, आपकी भी यकीनन बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह ताला। मैं फिर आऊँगी आपके पास नई रेसिपी लेके। मुझे उम्मीद है कि आप रेसिपीज़ को शेयर करना नहीं भूलते होंगे और आपके थ्रू मेरे चैनल की इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सकती है। काइंडली आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपीज़ को शेयर करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।